आज जब हम उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अपने प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो उनकी विशालता, उनका वास्तु हमें आश्चर्य से भर देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर, ये विश्व में किसे विस्मित नहीं कर देते। कोणार्क सूर्य मंदिर की तरह ही गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर भी है, जहां सूर्य की प्रथम किरणें सीधे गर्भगृह तक प्रवेश करती है। इसी तरह तमिलनाडु के तंजौर में राजा राजचोल द्वारा बनाया गया ब्रह्मदेवेश्वर मंदिर है। कांचीपुरम में वरदराजा पेरुमल मंदिर है। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर है। बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर है। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर है। ऐसे कितने ही मंदिर है, वो बेजोड़ है, कल्पनातीत है, न भूतो न भविष्यति के जीवंत उदाहरण है। जब इन्हें देखते हैं तब सोचने को मजबूर हो जाते हैं। उस दौर में, उस युग में किस तकनीक से इन निर्माण हुए होंगे। हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें भले ही न मिलते हो, लेकिन इन मंदिरों के आध्यात्मिक सांस्कृतिक संदेश हमें उतनी ही स्पष्टता से आज भी सुनाई देते हैं।